कान्हा की नगरी मथुरा में लॉकडाउन में फंसे हुआ दैनिक श्रमिक जो देश के अन्य भागों से मथुरा जनपद में अपने दैनिक जीवन यापन हेतु निवासरत हैं, ऐसे श्रमिकों की मदद के लिए CISF यूनिट ICOCL मथुरा रिफाइनरी के बल सदस्यों के आपसी सहयोग द्वारा राशन सामग्री का वितरण निरंतर किया जा रहा है। लॉकडाउन में काम न मिलने के चलते ऐसे श्रमिकों को अपने दैनिक जरूरतों एवं अपने परिवार का लालन पालन करने में अति कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए CISF यूनिट IOCL मथुरा रिफाइनरी के बल सदस्यों द्वारा आगे आकर अपनी स्वेच्छा से इकट्ठा की गई राशि से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। CISF यूनिट IOCL मथुरा रिफाइनरी जिला प्रशासन से मथुरा जनपद में रह रहे दिहाड़ी मजदूर एवं जरूरतमंदों की सूची मांगी गई थी ताकि लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की आवश्यकता वाले जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा सके, जिसका जिला प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए शहर में औरंगाबाद, रांची बांगर, कच्ची सड़क वाली बस्ती, बिरला मंदिर तथा बंगाली बस्ती को चिन्हित किया, जिसमें अभी तक राशन वितरण नहीं हो पाया था। इन चारों चिन्हित जगहों पर CISF के बल सदस्य के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी चिन्हित व्यक्तियों को राशन वितरित किया गया। सामग्री वितरण के दौरान CISF यूनिट IOCL मथुरा रिफाइनरी के डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू, सहायक कमांडेंट हरेंद्र कुमार, निरीक्षक RR मीणा, उप निरीक्षक DK दुबे, उप निरीक्षक अभिषेक पटेल, आरक्षक गुर्जर व CISF यूनिट IOCL मथुरा रिफाइनरी के अन्य बल सदस्य एवं जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मथुरा से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए संवाददाता दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। देश भर में लॉकडाउन की हालत चल रही है, सभी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे में जो मथुरा जनपद में दूसरे प्रदेशों दूसरे शहरों से जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, और अपने जो दैनिक उनके आय का स्रोत था वो खत्म हो गया और वो दिन पर दिन अपने जीवन को उपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे इकाई के जितने भी सदस्य हैं इस हमारे मथुरा रिफाइनरी के, इन्होंने खुद से एक सजेशन दिया हम लोगों को, एक प्रपोज़ किया कि हम लोग क्यों ना आगे बढ़ करके इन लोगों की मदद करें। इसी में जब सभी लोगों ने मिलकर के एक राय बनाई कि हम लोग जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं लॉकडाउन में, बाहर शहर के लोग या और भी जो लोग जो मजदूरी करते हैं या दिन का रोज कमाते हैं खाते हैं, उनको राशन सामग्री दी जाए। इसी में हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया और उनसे लाभार्थियों की एक सूची मांगी कि जो लोग इसके सही में हकदार हैं, उचित हकदार हैं, उनके हमें नाम बताए जाएँ और जगह बताई जाए। इसी संबंध में जब हमें जिला प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिला और उन्होंने हमें जगह बताई, उनके साथ जा कर के हमने कुल 4 जगहों पर मथुरा जनपद में राशन सामग्री बांटी है और जिला प्रशासन के हमने आश्वासन भी दिया है कि आगे भी जैसा भी अगर हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हम लोग इसमें आगे आकर के जो भी जिस तरह से भी सहयोग कर सकेंगे वो करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये लॉकडाउन फोर्स में आया और हमने देखा कि हमारे मथुरा शहर से इस हाईवे से भी दिल्ली से बहुत सारे मजदूर जो वापस अपने घरों को जा रहे थे, उनके लिए भी हमने निरंतर तकरीबन 10 दिनों तक खाद्य खाने की व्यवस्था की थी सुबह और शाम। इसी हाईवे पे हमारे यूनिट के सामने जो भी मजदूर अपने पैदल अपने घरों के लिए जा रहे थे, साइकिलों पर जा रहे थे या अन्य संसाधनों से जा रहे थे, उनको हमने दोनों टाइम एक मानवता के कारण उनके आगे बढ़ करके उनकी मदद की। एक संदेश देंगे सर लोगों को, लोग अभी भी लॉकडाउन के सर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? ये तो देखिए बहुत ही सीधा संदेश है, यही है कि लॉकडाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी देश में और पूरी दुनिया में फैल रही है, ये भयावह है, स्थिति बहुत भयावह है और इसका केवल और केवल अभी एक ही समाधान है जो कि बचाव है, अपने से दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका हम सख्ती से अनुपालन करें। अच्छी बात यह रही कि मथुरा में अभी हम काफ़ी कंट्रोल स्थिति में हैं, लेकिन अगर इसी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाएगा या लोग उसको नियम तोड़े जाएंगे तो अंजाम अच्छे शायद ना हो।